Hi guys, myself Vishnu Sharma and I welcome you all on behalf of Sharma's Fabric, जो कि हमारा रेमंड का एक्सक्लूसिव शोरूम है, आप सभी लोग जानते हैं। तो आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, टॉपिक होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कभी आज जो टॉपिक रहेगा, आज का टॉपिक यही रहेगा कि जो हाइट जिन लोगों का कम है, उन लोगों को क्या चीजें पहननी चाहिए, क्या स्टाइल गाइड होना चाहिए उन लोगों के लिए। उन लोगों के लिए पूरा वीडियो जो है डेडिकेटेड है। तो एवरेज जो इंडियन मेल का जो हाइट का हम बात कर लेते हैं, तो 5.6 फीट्स का रहता है, 5 फीट 6 इंचेस से लेके 5.8 इंचेस तक जो है एवरेज इंडियन मेल का जो हाइट का हम बात करते हैं, तो वो होता है। अगर हम वर्ल्ड के उसमें जाएंगे तो ये स्लाइटली कम रहता है, पर फिर भी कई लोगों ने मुझे बोला, सर आप हम लोगों के लिए वीडियो बनाए, हम लोगों पे कुछ भी अच्छा लगता नहीं है क्योंकि हमारी हाइट है कम। अब कम हाइट का कोई मेजरमेंट नहीं है, सब लोग अपने आप में अच्छे हैं, सब लोग जो भगवान ने हम लोगों को बनाया है वो परफेक्ट ही बनाया है। पर फिर भी जो हाइट का हम लोग देखो कुछ कर नहीं सकते, पर फैशन टिप्स में आपको ऐसा दूंगा, ऐसी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो इल्यूजन क्रिएट होता है, एक आपका हाइट का जो एक अपीयरेंस जो दिखता है, आपके कपड़ों से हाइट इंक्रीज हो सकती है, अपीयरेंस हो सकता है। तो वही सारी चीजें हम लोग बात करेंगे वीडियो में। और एक चीज और मैं बताता हूं कि अगर मन में कॉन्फिडेंस हो, मन में आत्मविश्वास हो, चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल हो और आप लोगों को कुछ अच्छा करने की नियत हो, तो कुछ भी पहन लीजिए, हर चीज आप लोगों पे अच्छी लगने वाली है। तो ये बात तो हो गई फिलॉसफी की, अब आते हैं हम पॉइंट की बात पे। तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जिन लोगों का हाइट मतलब 5.6 से कम है या 5.8 से कम है, तो उन लोगों के लिए वीडियो रहने वाला है प्रिसाइसली। और अब हम बात करते हैं टिप्स की। वीडियो में हमारे साथ रहेंगे राम जी और महेश जी हमारे साथ हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है गाइस, मैंने आपको जो वीडियो बताया था जिसमें ब्लैक जो सांवले लोग हैं, काला रंग जिनका है, उस वीडियो में भी हमने बात करी थी कि कभी भी कंट्रास्ट आप लोग ना पहने, जिनकी हाइट कम है वो कंट्रास्ट ना पहने। मेरा आउटफिट आप देख सकते हैं, आज का ब्लैक कलर का पैंट है, ब्राउन बहुत डार्क ब्राउन कलर का जैकेट है और शर्ट मेरा वाइन कलर का है। इस कलर इसमें कुछ भी कंट्रास्ट नहीं है। तो ये जो आउटफिट होता है इस टाइप का, ये ऑलवेज आपका हाइट को ऐसा इल्यूजन पैदा करेगा कि आपका हाइट ज्यादा लगेगा। अब इसका रीजन भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। इसका रीजन आप देखिए, जो हमारा बॉडी पार्ट होता है, जो हमारा बॉडी होता है, टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, कैसे, पैंट और शर्ट। अब पैंट की हम जो बात करेंगे, पैंट जो है वो हमारा लेग्स को दिखाता है ऑलवेज, और अपर बॉडी को हम बोलते हैं टॉर्सो, मतलब जो नीचे वाला पार्ट है वो लेग्स का हो गया, अपर बॉडी पार्ट को बोलते हैं टॉर्सो। जब हम पहनते हैं पैंट, सपोज कीजिए आपने ब्लैक कलर का पैंट पहन लिया और व्हाइट कलर का शर्ट पहन लिया, तो बीच में क्या इल्यूजन पैदा होगा, लोगों का अपीयरेंस कैसे लगेगा, मतलब आपका जो बॉडी है दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब आपका लेग्स भी अब हाईलाइट हो रहे हैं और आपका जो टॉर्सो है वो भी हाईलाइट हो रहा है। इससे अपीयरेंस क्या होगा, जो आपका ओरिजिनल अपीयरेंस है उससे भी आप नीचे छोटे लगोगे। तो ये नोट करने वाली बात है, लाइट कलर का पैंट पहनना है लाइट कलर का शर्ट ही पहनो, डार्क कलर का पहनना है तो डार्क कलर का शर्ट पहनो। वो इस चीज को हम बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक कलर्स, तो ऑलवेज गो इन मोनोक्रोमेटिक कलर्स। ये मैंने आप लोगों को एक चीज बता दी है, तो ये बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। दूसरी चीज है मोस्ट इम्पोर्टेंट, कभी भी बेल्ट मत लगाओ। जी हाँ गाइस, बेल्ट कभी भी नहीं लगाना चाहिए। बेल्ट क्या करता है, वही बात आ गई, बॉडी को, हमारा बॉडी पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा और अच्छे से डिवाइड कर देगा बेल्ट। देखो एक चीज साइंस की बात बताता हूँ, एक स्ट्रीम लाइन होती है, जैसे ऊपर से लेके नीचे तक जो है स्ट्रीम लाइन दिखनी चाहिए। अगर स्ट्रीम लाइन ऊपर से लेके नीचे तक सेम दिखेगा तो बॉडी का जो हाइट है वो ज्यादा दिखेगा। अब जैसे एक ये सेंटर लाइन मैं दिखा देता हूँ, मैंने जो पैंट पहन रखा है, यहाँ से सेंटर लाइन क्रिएट हो जाएगी। अगर यहाँ से सेंटर लाइन क्रिएट हो गई
और बेल्ट इसका एड ऑन और कर देगा। अगर बेल्ट मैंने लगा लिया तो ये आपका पार्ट फिर डिवाइड कर देगा, हाइट कम लगेगी। तो पैंट कभी भी ना लगाएं। पैंट्स आजकल बहुत अच्छी अच्छी तरीके की पैंट्स चल रही है, बड़े बेल्ट वाली पैंट चल रही है, जैसे मैंने पहन रखा एक साइड लूप्स वाला पैंट भी चल रहा है, उसको आप टाइट कर सकते हैं तो बेल्ट का नीड नहीं होगा, वो वाली पैंट आप पहन सकते हैं। और दूसरी चीज आती है कि कभी भी लॉन्ग शर्ट या लॉन्ग टी शर्ट कभी भी ना पहने। उससे क्या होगा, उससे ये होगा, अगर आप लॉन्ग जैसे शर्ट आपकी यहाँ बाहर निकल रही है, टी शर्ट आपकी यहाँ तक थाई तक आ रही है, तो वो जो बॉडी पार्ट है, मतलब जो आपका लेग्स दिखने चाहिए, वो लेग्स दिखेंगे नहीं। लेग्स नहीं दिखेंगे तो क्या लगेगा, आपका टॉर्सो बड़ा लगेगा, लेग्स छोटे लगेंगे, हाइट फिर से टिल्ट हो जाएगी, अपीयरेंस में हाइट आपकी फिर से कम लगने वाली है। तो ये भी एक बात हो गई, बेल्ट नहीं पहनना है, लॉन्ग टी शर्ट लॉन्ग शर्ट बाहर निकाल के कभी भी नहीं पहननी है जिन लोगों का हाइट कम है। और गाइस ये कोई रूल्स नहीं है, अगर आप बाहर निकाल के पहन सकते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं अपनी हाइट में, तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये रूल ही है, पर जिन लोगों को अच्छा दिखना है, जिन लोगों को अपना अपीयरेंस अच्छा दिखाना है, जो लोग मुझे बोलते हैं कि सर हमारे ऊपर कपड़े जचते ही नहीं है क्योंकि हमारी हाइट छोटी है, उन लोगों के लिए वीडियो है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। अब एक बात रही, मैंने बेल्ट की आपको बात बोली, तो आप कुछ लोग मुझे बोलेंगे, कुछ हमारे व्यूवर्स ये बोलेंगे सर बेल्ट हमारे लिए कंपलसरी है, हम लोग ऑफिस जाते हैं एग्जीक्यूटिव में जाते हैं तो बेल्ट लगाना कंपलसरी है, तो उसके लिए आप बेल्ट लगाएंगे बहुत छोटा, और बेल्ट कभी भी कंट्रास्ट में ना जाए। अगर ब्लैक कलर का पैंट पहन रहे हैं या डार्क शेड के पैंट पहन रहे हैं तो ऑलवेज गो इन ब्लैक कलर का पैंट ले लीजिए, बकल भी उसका नॉर्मल सा होना चाहिए, हाईलाइट नहीं होना चाहिए, तो वो आप लगा सकते हैं। वैसे मैं यही कहूंगा कि आप अवॉइड करें बेल्ट को। और एक स्टाइल टिप और ये है कि ऑलवेज गो, अगर शर्ट आप पहन रहे हो, पैंट आप पहन रहे हो, या जैकेट पहन रहे हो, या सूट पहन रहे हो, तो गाइस उसमें जो वर्टिकल स्ट्राइप्स होती है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल देखो ये वाली लाइन होती है, ये वाली, ये कभी भी नहीं पहननी है, वर्टिकल स्ट्राइप्स पहननी है ऐसे वाली। इसमें आप शर्ट पहनो, पैंट पहनो, या कोट पहनो, जैकेट पहनो, बहुत ही अच्छा अपीयरेंस लगेगा। तो ऑलवेज गो इन स्ट्राइप्स, हॉरिजॉन्टल नॉट हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स, गो इन वर्टिकल स्ट्राइप्स। राम जी कुछ दिखाएंगे कि मैं किन स्ट्राइप्स की बात कर रहा हूं, तो राम जी कुछ दिखा दीजिए आप स्ट्राइप्स की बात कर रहे हैं। तो गाइस ये देख सकते हैं, ये हमारा पैंट के लिए है और सूट के लिए फैब्रिक है, और इसका जो स्ट्राइप्स की हम बात कर रहे हैं, अगर आप इसका जो बनेगा राम जी सीधी स्ट्राइप्स दिखाएं आप। तो गाइस ऑलवेज गो, जो खड़ी लाइनिंग होती है, मतलब देसी भाषा में हम बात करें तो खड़ी लाइनिंग में ये पहनो, ऑटोमेटिक आपका हाइट ऐसा लगेगा, ज्यादा लगेगा, इल्यूजन क्रिएट होता है, आप दिखा दीजिए। तो गाइस ये देख सकते हैं, तो ये ऐसा लाइनिंग आप लोगों को पहनना है वर्टिकल, ये बहुत ज्यादा काम आता है जिन लोगों का हाइट कम है। थैंक यू राम जी, एक दो लाइनिंग और दिखा दो, और शर्ट का लाइनिंग भी प्लीज आप दिखा दीजिए कुछ। ये लाइनिंग भी बहुत अच्छा है गाइस, आप इसको सूट में भी काम में ले सकते हैं, और प्रीमियम जो पैंट आते हैं उसमें भी आप पहन सकते हैं। लाइनिंग का ट्रेंड अभी ऑलरेडी चल रहा है, स्ट्राइप्स का ट्रेंड ऑलरेडी चल रहा है, तो आप लोग ये यूज करें। शर्ट्स के भी कुछ कलर दिखा दीजिए, शर्ट का लाइनिंग भी जो रहेगा वो यू रहेगा, खड़ा लाइनिंग रहेगा, आप देख सकते हैं। ये तो सिंपल ड्रैग कर दीजिए, थैंक यू, ये देख सकते हैं आप, थैंक यू राम जी। ये थोड़ा सा स्ट्राइप्स आप दिखा दीजिए, फिर हम कंटिन्यू करेंगे, फिर मैं आपको और बहुत सारी टिप्स देने वाला हूँ आज, आप लोगों को मजा आ जाएगा। और जो लोग मुझे कहते थे कि सर हमारी फोटोज अच्छी नहीं आती, हम लोग अच्छे नहीं दिखते, ये देख सकते हैं स्ट्राइप्स में बहुत अच्छा है, थैंक यू। तो गाइज ये देखा मैंने जो स्टाइल टिप दिया है, स्ट्राइप्स में जाएं, स्ट्राइप्स का भी वापस से ट्रेंड भी आ गया है, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, वेयर भी कर सकते हैं।
अब दूसरी बात ये है, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट्स है उसमें बात करते हैं हम पैंट का वेस्ट। कभी भी लो वेस्ट पैंट कभी भी ना पहने, हमेशा हाई वेस्ट पैंट पहने, मतलब थोड़ा सा ऊंचा बांधे पैंट को जो पैंट आती है, और या मिड साइज का जो पैंट रहता है, मिड वेस्ट साइज का जो पैंट रहता है वो ही आप पहने। लो वेस्ट पैंट कभी भी ना पहने। छोटे लोगों के लिए वो पैंटे कभी भी नहीं बनी गई है। अब इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट यही होगा, जैसे अगर आप हाई वेस्ट पैंट पहनते हैं, ऊंचा बांधते हैं, तो आपके जो टांगे हैं वो लंबी दिखेगी, लंबी दिखेगी, तो आप लोग का जो अपीरियंस है, आप लोगों का जो लैग्स का अपीरियंस दिखेगा, टॉर्सो छोटा दिखेगा, तो आप नेचुरली अच्छा लगेगा और नेचुरली इल्यूजन क्रिएट होगा अगेन कि आपका हाइट अच्छा है। और एक टिप ये है कि लोग, कई लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा जो बैगी पैंट्स होते हैं, बैगी बहुत ढीले पैंट होते हैं, वो पैंट भी आप लोगों के लिए गाइस नहीं बने हैं। ऑलवेज गो इन स्लिम फिट पैंट, नॉर्मल पैंट में जाओ, टेपर पैंट में जाओ, कभी भी ऐसे ढीले ढाले पैंट में नहीं जाना है। और वही बात है, ढीली ढाली टी शर्ट भी आप लोगों को नहीं पहननी है, ढीली ढाला शर्ट भी आप लोगों को नहीं पहनना है, क्योंकि आप लोगों के लिए वो बना नहीं है। अगर ढीला ढाला आप पहनोगे तो आप लोगों की हाइट और कम लगने वाली है, तो ये बात भी आप ध्यान रखें। और एक चीज ये है कि अगर मैंने आप लोगों को बताया कि टी शर्ट पहनना है और शर्ट पहनना है, तो उसका साइज अगर आप बाहर निकाल के पहनते हैं टी शर्ट का, तो उसका साइज ज्यादा लॉन्ग नहीं होना चाहिए, थाइस तक आ जाएगा तो बहुत छोटे लगोगे। तो उसका जो सॉल्यूशन ये है कि अपना टक कर लीजिए, आप ऑलवेज टक इन करें, शर्ट भी आप अंदर डाल के पहनिए, टी शर्ट को, जो पॉलो टी शर्ट होती है उसको भी आप अंदर डाल के पहने, देखिए बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ही अच्छा गेटअप आएगा, आपका हाइट भी अच्छा हो जाएगा। और पैंट का लेंथ का भी हम बात कर रहे थे, पैंट आप लोगों को कैसी पहनी है, पैंट जो पहनी है मैंने आपको वीडियो में दिखाया भी था, मेरी पैंट भी आप दिखा सकते हैं, शू का जो टॉप है वो टच करना चाहिए ओनली, ज्यादा लंबा आप लोगों को पैंट नहीं पहनना है बिल्कुल भी, ज्यादा लंबा पैंट जो नीचे सलवटे आ जाती है तो वो पैंट आप लोगों के लिए नहीं बना है गाइस। और ज्यादा ओछा पैंट भी नहीं पहनना है, ऐसा पैंट भी नहीं पहनना है एंकल लेंथ वाला, ये देख लीजिए, ऐसा अगर एंकल लेंथ वाला पैंट पहनेंगे आप, तो गाइस इसमें क्या होगा, उसका जो आपका स्ट्रीम लाइन, मैंने बोला आपको स्टार्टिंग वीडियो में, एक स्ट्रीम लाइन बनता है ऊपर से लेके नीचे तक सेम हाइट दिखती है, तो उससे ज्यादा इल्यूजन इल्यूजन क्रिएट होता है। अब अगर हम ऐसा पैंट पहन लेंगे तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अलग हो गया है, स्ट्रीम लाइन ब्रेक हो गई है, अब फिर से आप बहुत छोटे लगोगे। तो ये चीजें हैं। शूज की हम बात कर लेते हैं, शूज ऑलवेज पॉइंटेड शूज आप पहनिए, थोड़ा सा हील भी आप पहन सकते हैं, आजकल हील वाले शूज भी आते हैं, तो हील वाले शूज 1 इंच 2 इंच का जो कंफर्टेबल शूज हैं वो आप पहने, तो वो भी आपका हाइट एड ऑन करेंगे। लोफर्स आप लोगों को नहीं पहनने हैं, स्नीकर्स आप लोगों को नहीं पहनने हैं। शूज का कलर की मैं बात करूं तो शूज का कलर भी कंट्रास्ट वाला मत पहनना गाइस, जैसे अगर आपने ब्लैक पैंट पहन लिया, डार्क ब्लू पैंट पहन लिया, जींस पहन ली डार्क ब्लू, और उसपे आपने एक गोल्डन कलर या व्हाइट कलर का स्नीकर्स डाल लिया, तो बहुत ही गंदा लगने वाला, अगेन जो स्ट्रीम लाइन है वो टूट जाएगा, हाइट आपका छोटा लगेगा, तो ये आपको समझना पड़ेगा। बूट्स आप पहन सकते हैं एंकल लेंथ का, अगर आप पैंट पहन रहे हैं और बूट्स पहनते हैं तो बूट्स आप में जा सकते हैं, बूट्स का जो हील भी होता है नॉर्मल शूज से ज्यादा होता है, तो वो शूज भी आप लोगों के लिए काम करेंगे। और कुछ आजकल हिडन हील्स भी आती है, वो भी आप शूज के अंदर डाल सकते हैं और अपना हाइट इंक्रीज कर सकते हैं, पर मेक श्योर दैट These hidden heels will be comfortable or not. मतलब ये जो hidden heels है, मैं इसका आप लोगों को सजेशन नहीं दूंगा, थोड़े टाइम के लिए आप यूज कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए ये अच्छा नहीं होता है लेग्स के लिए। तो ये चीज थी। हाफ स्लीव्स का टी शर्ट या हाफ स्लीव्स का शर्ट अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, या फुल स्लीव्स का शर्ट अच्छा रहेगा, तो फुल स्लीव्स का शर्ट अच्छा रहेगा। अगर हाफ स्लीव्स का आप शर्ट पहनते हैं तो फिर से आपके आर्म्स हाईलाइट होंगे, आर्म्स हाईलाइट होंगे, बॉडी का स्ट्रीम लाइन जो है टूटेगा और आपका हाइट थोड़ा छोटा लगेगा, तो वो आप लोगों को नहीं करना है। फुल साइज का शर्ट पहनो, उसको रोल अप करो और रोल अप करके हाफ स्लीव्स बनाओ, उसको बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों पे। और ऑलवेज जैसे अगर आप कोट पहनते हैं, कोट का अब मैं बात करता हूँ, जैकेट जो मैंने पहन रखा है, कोट का बटन जो है अगर नॉर्मल साइज में यहाँ पे आ रहा है आपकी बॉडी साइज के अकॉर्डिंग, तो उसका कोट का जो बटन है वो थोड़ा ऊपर करवा लो, तो वो ज्यादा अच्छा फिट रहेगा आप लोगों के लिए। और कोट का जो लेंथ है,
लेंथ भी कोट का छोटा पहनना है, ऑलवेज ध्यान रखना है। मैंने आपको बोला स्लीव जो टी शर्ट पहनते हैं और जो शर्ट पहनते हैं वो लंबा शर्ट कभी भी ना पहने, लंबा टी शर्ट कभी भी ना पहने, क्योंकि वो भी आपका हाइट डिक्रीज करता है। तो शॉर्ट शॉर्ट वाली जैकेट पहनो, इसका जो लेंथ देख सकते हैं गाइस, ये भी थोड़ा सा शॉर्टर लेंथ मैंने पहना हुआ है, तो इसमें लैग्स हाईलाइट होते हैं और आपका जो एक इल्यूजन क्रिएट होता है, एक अपीरियंस क्रिएट होता है, वो बहुत अच्छा क्रिएट होता है। और हेयर स्टाइल भी इम्पोर्टेंट है, हेयर स्टाइल भी आप लोग ऐसा हेयर स्टाइल यूज कर सकते हैं जो यहाँ पे डेंसिटी दिखाए, जैसे एक पॉम्पाडोर करके हेयर स्टाइल होती है वहां पे सिंगल कट से, यहाँ पे एक पफ बनता है, तो वो वाली हेयर स्टाइल भी आप यूज कर सकते हैं। ऐसी हेयर स्टाइल आप यूज करो जो आपको यहाँ पे डेंसिटी दे हेयर्स के, तो वो भी आपके हाइट का इंक्रीज करेगा, 1 से 2 इंच तक हाइट इंक्रीज कर सकता है। तो ये सारी चीजें हैं और इम्पोर्टेंट चीजें देखो मैंने सारी बता दी है, कवर कर ली है। और टॉर्सो आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे मैंने पॉकेट स्क्वायर लगा रखा है यहाँ पे, और कुछ लपेल पे लगा सकते हैं, जो आपका जो टॉर्सो है मतलब अपर बॉडी पार्ट है वो हाईलाइट होगा, तो वो भी अच्छा लगता है, अपीरियंस को आपका बूस्ट करेगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों को मैंने बता दी है, टॉप टू बॉटम बता दी है, मतलब हेयर स्टाइल से लेके शूज तक हम लोगों ने बात कर ली है, कैसी चीजें आप लोगों को पहननी चाहिए, कैसे कलर आप लोगों को पहनने चाहिए, तो बहुत सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी है। और खुद में ही अगर आप कॉन्फिडेंस रखते हैं तो आप लोगों का अपीयरेंस अपने आप अच्छा हो जाएगा। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी हाइट कम है या ज्यादा है, ऑलवेज हम लोगों को क्वालिटीज पे ध्यान देना चाहिए, हम अपनी स्किल्स डेवलप करनी चाहिए। और कुछ जो फुटबॉलर्स हैं जैसे मैसी है, मैसी की हाइट भी ज्यादा नहीं है गाइस, और लियोनेल मैसी जो अर्जेंटीना के बहुत ही महान फुटबॉलर है, उनकी हाइट ज्यादा नहीं है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी हाइट भी 5 फीट की थी। सचिन तेंदुलकर है, उनकी हाइट भी कम है। तो बहुत सारे लोग हैं जिनकी हाइट कम है, तो इसलिए आप कॉन्फिडेंस लेके चलें। साथ में टिप्स मैंने जो आप लोगों को बता दिए, स्टाइल गाइड मैंने आप लोगों को बता दिया है, वो बहुत ही यूजफुल रहने वाला है और बहुत ही अच्छा अपीरियंस आएगा अगर आप ये सारी चीजें आप फॉलो करते हैं, तो बहुत ही मजा आने वाला है। एक टिप लास्ट में और दूंगा, आप लोग बोलते हैं कि हम लोग फोटो में छोटे आते हैं, तो फोटो में छोटे आते हैं तो उसका आप लोग क्या करें, जैसे अगर आपके बगल में कोई खड़ा है, जैसे यहाँ पे कोई खड़ा है और मैं, तो थोड़ा सा उसके आगे चले जाएं, तो अगर आगे जाएंगे तो आपका हाइट इंक्रीज लगेगा ऑलवेज। तो पीछे कभी भी पीछे रह के ना खिंचवाएं, पीछे अगर आप रहते हैं तो आपका हाइट डिक्रीज लगता है फोटो में, इसलिए एक स्टेप आगे बढ़ जाए, कोई भी साथ में आपके खड़ा है एक स्टेप आगे बढ़े, तो आपका जो नेचुरल हाइट से थोड़ा सा ज्यादा उसमें इल्यूजन होगा और फोटोजेनिक फोटो हो जाएगा आप लोगों का। तो ये सारी चीजें थी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लगा मुझे भी, और मुझे भी अच्छा लगा कि आप लोगों के साथ ये शेयर करें, क्योंकि बहुत ही यूजफुल वीडियो है। एवरेज हम लोगों का हाइट ज्यादा नहीं है इंडिया में, तो इसको कंसिडर करते हुए ये सारी चीजें अपनाएं और देखिए, फिर आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा वीडियो है। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही टाइम टू टाइम हम वीडियोस लाते रहते हैं आप लोगों के लिए। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।